एक बार हमने कार्यक्रम बना दिया था, दो दिन बाद कार्यक्रम होना था, तो मालूम पड़ा कि यहां पर तो आधा आधा गुरुवार पड़ गई। फिर वो कार्यक्रम हमारा स्थगित हुआ। फिर अब हमने सोचा कि भाई जिस दिन निमड़ा होगा उस दिन जाएंगे, बाद निमड़ा हुआ तो आपके पास पहुंचे। और सबसे बड़ी बात कि लंबे समय से हम बात कर रहे थे डिग्री कॉलेज हाथी कहां होगा, कैसे करेंगे, और उसका भवन अपना होना चाहिए। जब भी हम यहां आते थे बच्चे बोलते थे हमारे लिए बहुत मुश्किल है। हमने पहले ही इस बात को कहा था कि कागजी कार्यवाही नहीं करेंगे, अगर हम कॉलेज बनाएंगे तो जमीन पर बनाएंगे और बजट दे करके बनाएंगे। आज से लगभग 5 वर्ष पहले का वो दौर था जब चुनाव के करीब पहुंच गई थी सरकार की आयु उस वक्त की, जो पूरा में सरकार थी, कि जयराम को रोकना है तो उसके लिए कुछ इंतजाम करो। तो कहा कि भाई इधर ये कर लो, उधर वो कर लो, यहां ऐसा कर लो, वहां वैसा कर लो। तो थाची की अगर बात आई तो बात ये आई कि थाची में अगर जयराम को नुकसान करना है तो कॉलेज दे दो। लेकिन मैं थाची वालों का सचमुच में मैं एहसान कुत्ता नहीं कर सकता हूं, मैं आप सबका आभारी हूं। उन्होंने कागज पर कॉलेज दिया और आप लोगों ने भी इस बात को अच्छी तरह से समझा कि ये चुनाव के दिनों की बातें हैं, वोट लेने की बातें हैं, इसलिए मतदान करने की अगर बात है तो हम अपने हिसाब से करेंगे। पूरे इलाके में भारतीय जनता पार्टी को आपने सहयोग दिया कॉलेज मिलने के बावजूद भी, उसके लिए मैं आप सबका बहुत धन्यवाद। कई हमको साथी मिले ऐसे कांग्रेस के, की तो थारा जयराम का कॉलेज डू हमें देख ली, उसके बावजूद भी बोलते वो है तो है, पढ़ना तो है नहीं। हिमाचल के इतिहास में ऐसे बहुत कम उदाहरण होंगे जब कॉलेज खोलने के लिए नोटिफिकेशन कर दी, 1 लाख रुपए का बजट प्रावधान किया और 1 लाख के बजट प्रावधान के साथ ना जमीन का इंतजाम ना फॉरेस्ट की क्लीयरेंस, उसके बावजूद भी शिलान्यास का पट्टा लगा दिया। अभी जब मैं कार्यक्रम बना रहा था यहां का तो मेरे से साथी पूछने लगे कि थाची जा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, मेगा कॉलेज की शिलान्यास करेंगे, वो तो सो तो कर ही हुआ। मैंने कहा कब करा, बोलता है मेरे को व्हाट्सएप पे आया, मेरे को बताया गया कि ये 3 तारीख को यहां पर जो शिलान्यास किया गया। मैंने कहा कैसे किया शिलान्यास, ना पैसे ना जमीन ना फॉरेस्ट की क्लियरेंस। सच कहता हूं मैं, इस बात का संदेश आप स्वराज के लोगों ने बहुत मजबूती के साथ दिया। कहते हमको स्वराजी हैं लेकिन ऐसा मत सोचिए कि हमें कुछ समझ में नहीं आता। किसी भी भवन का अगर काम शुरू होना है, किसी भी भवन को अगर आपने उसके लिए शिलान्यास करना है, उसके लिए मुख्यमंत्री के लिए कुछ औपचारिकता निर्धारित होती है, उसके बिना मुख्यमंत्री करता ही नहीं। मैंने हिमाचल प्रदेश में आज तक हजारों की संख्या में शिलान्यास और उद्घाटन किए, लेकिन शिलान्यास के लिए मैं सबसे पहले देखता हूं कि जमीन है कि नहीं है, फॉरेस्ट क्लियरेंस है कि नहीं है, बजट का प्रावधान है कि नहीं है। अगर नहीं है तो फॉरेस्ट की क्लियरेंस कर लेता हूं, जमीन का इंतजाम कर लेता हूं, पैसे का प्रावधान करता हूं, उसके बाद में शिलान्यास करने के लिए जा सकता हूं। और यहां ना पैसे का प्रावधान, ना जमीन का इंतजाम, ना फॉरेस्ट की क्लियरेंस, जमीन कहां मिलेगी ये भी मालूम नहीं, लेकिन शिलान्यास का फट्टा लगा। सचमुच में काम करने का ये तरीका जो है वो
आज से पहले रहा होगा, लेकिन वर्तमान सरकार में हमने इस परंपरा को बदलने की कोशिश की। हाँ, हमें वक्त लग गया। हाची वालों से हम बार बार बात कहते रहे कि भाई जमीन कहां करनी है, कॉलेज खोलना कहां, कोई बोलना नीचे करना, कोई बोलना ऊपर करना। मैंने कहा यार मेहरबानी करके इस झगड़े को मेरे सिर में पार हो, बैठो आप लोग, बैठ करके डिसाइड करो, बैठ करके तय करो। कॉलेज जहां भी होगा एक जगह होगा, और वो कॉलेज सबका होगा, थाची ऊपर वालों का भी होगा, नीचे वालों का होगा, आगे वालों का भी होगा, पीछे वालों का कॉलेज होगा, सबका कॉलेज होगा। इसके लिए लड़ाई इस तरह से होगी। और आज मुझे इस बात की खुशी है कि आप सब लोगों ने सहमति के साथ तय किया, और हमने उसके बाद फिर उसकी क्लीनेस कहां से ली, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली से लेकर के जो है शिमला से लेकर के सारी फॉर्मेलिटी देहरादून से करने के बाद जाकर के सुप्रीम कोर्ट से इसकी फॉरेस्ट की क्लीयरेंस की, और उसका बाद टेंडर कर दिया। आज जो है हमने विधिवत काम की शुरुआत कर दी है। आज ये नहीं है कि हमने शिलान्यास किया, हमने काम का शुभारंभ किया। शुभारंभ का मतलब ये है कि कल से ठेकेदार आएगा और अपना काम शुरू कर देगा, और कल से नहीं, मैं तो ये कहूंगा पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट को आज से ही काम शुरू कर दे, क्योंकि अब हमने सारी औपचारिकता पूरी कर ली। जमीन कॉलेज के नाम कर दी, फॉरेस्ट की क्लीयरेंस कर दी, और फॉरेस्ट की क्लीयरेंस सुप्रीम कोर्ट से लेकर के आ गए। बजट का प्रावधान किया 5 करोड़ रुपए साथ में दिए, तब जाकर के जयराम यहां पर थाची में आकर इस कॉलेज का शुभारंभ करने के। ये अंतर है जिस अंतर को समझने और समझाने की जरूरत है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद में आप सबका, आप समझ गए सारी बातों में, आपने चुनाव के दिनों में जो अभी सारी स्थिति का देखा कि ये जो कर रहे हैं ये ठीक नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपने अच्छा सोचा कि इस वक्त ऐसा कि इस वक्त चुप रहना चाहिए, आप लोग भी चुप रहे। भाई और बहनों, आप सबके आशीर्वाद से हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार का 4 साल से ज्यादा का वक्त हो गया, 4.25 साल, और 4.25 साल के इस कार्यकाल में आपके बीच में आना जाना थोड़ा बहुत हुआ, लेकिन ज्यादा नहीं हुआ। मन तो करता है, बहुत करता है कि मैं आऊं, जैसे हम पहले बैठते थे, गप्पे मारने में बैठते थे, बातचीत करते थे, समस्याओं को सुनने के लिए गांव में बात करते थे, वैसा संभव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जिम्मेवारी इस प्रकार की है। और इस बात को भी आप समझते हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद मैंने हिमाचल प्रदेश में भी सब जगह जाने की कोशिश की, और हिमाचल के अलावा मैंने सराज विधानसभा क्षेत्र में भी प्रमुख जगह जाने की कोशिश की है। इन 4 वर्षों थाची में मुझे लगता है कि शायद 3री-4 बार मेरा आना हो गया। इन 4 वर्षों के कार्यकाल में सबसे बड़ी संकट की स्थिति हमारे सामने यह कोरोना की रही, इसके कारण भी आना जाने में बहुत ज्यादा बाधा पड़ गई। हम आना चाहते थे, जाना चाहते थे, मिलना चाहते थे, लेकिन वो संभव नहीं हो पा। अब मुझे लगता है कि भगवान की कृपा से, देवी देवताओं की कृपा से वो दौर मुझे लगता है कि अब थम गया है, रुक गया है। और आज मैं देख रहा हूं कि नहीं तो मुंह में वो चिकड़ा लगा होता था, बात कर खुल गया भी साथ। लेकिन अभी भी सावधानी बरते नहीं देखना। आज अगर हम यहां पर ऐसी भीड़ में यहां पर इकट्ठा हुए हैं, उसकी वजह यह है कि नरेंद्र भाई मोदी जी ने पूरे देश के लिए वैक्सीन का इंतजाम किया, और आप लोगों ने भी वैक्सीन लगाई, लगाई कि नहीं लगाई, ऐसे तो नहीं करेंगे कोई हाथ पड़े कर कहीं नहीं किए नहीं भाई, दोनों दो डोज लगी, एक लगी तो दोनों हाथ पड़े करते भाड़ो। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद, 100% किया। अगर ये वैक्सीन नहीं लगी होती ना, तो फिर भी आजकल भी हमको आना जाना पर चोरी छुपे आना था, वो चिकड़ा पहन करके, वोटा पहन करके आना पड़ना था।
इसलिए मैं आप सबके लिए इस बात के लिए भी बधाई देता हूं कि आओ इस दौर से हम बाहर निकल कर क्या बोले, खुले में जैसे जीते थे उस तरह से जीने की दिशा में आगे बढ़ते। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि पूरे देश भर में जब वैक्सीन का यह अभियान चला, इस वैक्सीन के अभियान में हिमाचल पहली डोज पर भी पहले नंबर पर रहा और दूसरी डोज में भी पहले स्थान पर रहा, इसके लिए मैं आप सबका आभार करता हूं। अब यहां हमारे साथी कह रहे थे कि भैया आप लोगों ने अब जयराम बनकर के काम करना, क्योंकि पांचवा वर्ष हमारा चुनाव का वर्ष आ गया और चुनाव के वर्ष में स्वाभाविक रूप से कई आएंगे अब यहां पर। और अभी कुछ दिन पहले जब हमारा बजट सत्र चला हुआ था विधानसभा के अंदर, इन पांच प्रदेशों में चुनाव का दौर चल रहा था, हमारे कांग्रेस के नेता उछल उछल करके बोल रहे थे कि हम आ रहे हैं। मैंने कहा कैसे आएंगे, हम नहीं आने देंगे तुमको, बस बोलते आप तो बोलते थारी बारी आगे बोलते जाने की बोलते। मैंने कहा हमारी बारी नहीं, मैं कि जाने की बारी मुझे तुम्हारी लग रही ज्यादातर। हम पंजाब में भी जीत रहे हैं ऐसे बोल रहे थे, उत्तराखंड में भी जीत रहे हैं, हम मणिपुर में भी जीत रहे हैं और हो सकता है बोलते हम उत्तर प्रदेश में भी जीत जाए। और रिजल्ट निकला, उत्तर प्रदेश में 400 से ज्यादा सीटें हैं, 2 सीटा है बेहतर। पंजाब में बोला हमारी सरकार है, वो तो चनी साहब आ रहे हैं, चनी साहब आ रहे हैं, उनको एक जगह से नहीं 2 जगह से चुनाव लड़ा और चन्नी साहब दोनों जगह से ही चले गए। उत्तराखंड में हारे और हमारी 4 राज्यों में सरकारें थी, चारों में हम भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बना करके सफल हुए। हमारी सरकार उत्तराखंड में बनी, गोवा में बनी, मणिपुर में बनी, उत्तर प्रदेश में बनी। और इसलिए वो बात जो कहते थे, खासतौर से कोशिश करते कि यहां रिवाज बढ़ा हुआ है, 5 साल के बाद फिर दोबारा नहीं आते हैं, हम उनको ये कहना चाहते हैं कि थोड़ी सी नजर मारो कि गोवा में भी हम 5 साल सत्ता में थे फिर सत्ता में आए, मणिपुर में भी हम 5 साल सत्ता में रहने के बाद फिर सत्ता में आए और उत्तर प्रदेश में योगी जी 5 साल पूरे करने के बाद फिर सत्ता में आए और धामी जी उत्तराखंड में 5 साल के बाद फिर सत्ता। और सुन लो मैंने कहा, अगली बारी हिमाचल प्रदेश में भी यही होने वाले हैं, हम सत्ता में थे फिर सत्ता में आए। लेकिन उसके लिए आप सबका सहयोग चाहिए, आप सबका प्यार चाहिए, आप सबका स्नेह चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। हमने 4 वर्षों के कार्यकाल में, 4.25 साल के कार्यकाल में ईमानदारी से कोशिश की है गरीब आदमी की मदद करने की। गरीब आदमी के लिए जितना मदद कर सकते हैं उतना मदद करने की हमने कोशिश की। पहली कैबिनेट की बैठक में हमने 70 साल के बुजुर्गों के लिए पेंशन का प्रावधान किया और अब के बजट में हमने 70 नहीं 60 साल के ऊपर सभी बुजुर्गों के लिए पेंशन का प्रावधान। घर में गैस का चूल्हा पहुंचाया, 3,25,000 गैस के चूल्हे हमने घर घर में पहुंचाए। कांग्रेस के लोगों को पूछना चाहिए, तुमने भी गैस का चूल्हा कभी एक घर में भी दिया? गरीब आदमी के इलाज के लिए हमने हिमकेयर की शुरुआत की। पहले हम 1,000 रुपए उसमें लेते थे कुछ लोगों से और कुछ लोगों से 365 रुपए 1 साल का लेते थे। अब हमने 3 साल के लिए 1,000 रुपए लेंगे और उसके बाद जो है उनका इलाज 3 साल तक जो है फ्री ऑफ कॉस्ट हिमकेयर के माध्यम से चलता रहेगा। ये हमने शुरुआत हिमाचल प्रदेश 2,25,000 से ज्यादा गरीब लोगों का इलाज हमने हिमकेयर के माध्यम से किया। गरीब लोगों का इलाज बिना पैसे के इलाज किया। कांग्रेस की सरकार रही आज से पहले कभी भी उन्होंने इस तरह से नहीं सोचा। और अभी हमने और भी आगे बढ़कर के काम किया। जो बेटी हमारी बीपीएल परिवार की है, गरीबी रेखा से नीचे है,
जब उस बेटी की शादी होगी, वो किसी भी जाति की होगी, उस बेटी की शादी पर 31,000 रुपए हम शगुन के रूप में उसको शगुन के माध्यम से। कांग्रेस के नेताओं को पूछो, हम तो 31,000 रुपए उस बेटी के लिए शगुन दे रहे हैं, तुमने 31 रुपए भी दिए? कभी सोचना ही नहीं। बहुत सारी बातें कह सकते हैं, हिमाचल प्रदेश में हम बिजली पैदा करते हैं, हम दूसरे प्रदेश को बिजली बेचते हैं, लेकिन मैंने कहा बिजली हम बनाते हैं बेचते हैं, लेकिन गरीब आदमी को हम राहत क्यों नहीं दे पाए? अब की बार हमने तय किया कि हिमाचल प्रदेश में जो 60 यूनिट तक बिजली खर्च करेगा उसका बिल जो है जीरो बिल आएगा, कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। और 4.5 लाख लोग हिमाचल प्रदेश में ऐसे हैं जो 60 यूनिट से कम खर्चा करते हैं। 60 यूनिट का मतलब है जिसके 3 बल्ब 4 बल्ब होते हैं, जो किफायत से थोड़ा सा बचाव करके जो है बिजली खर्च करता है। और यहां तक के 15 रुपए बिजली के मीटर का हर महीने का रेंट पड़ता था, 40 रुपए हमारे फिक्स चार्जेस थे, सर्विस चार्जेस वो करते थे, लट्टू जले चाहे ना जले, लेकिन 55 रुपए हर महीने का बिजली का किराया सभी को आता था जिसके घर में बिजली का कनेक्शन। हमने कहा ना 55 रुपए लेंगे, ना मीटर के चार्जेस लेंगे, ना सर्विस चार्जेस लेंगे, वो भी हमने 60 यूनिट तक के सबके लिए हमने फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया, सबको माफ कर दिया, उनको कोई बिल दे रहे नहीं। तो कांग्रेस के लोग बहुत परेशान है यार, वो तो हमने अपने नेताओं को भी बोला था, ये अकल पता नहीं आपको आई लेकिन उनको क्यों नहीं आई। हमने कहा तुम्हारे नेताओं को अकल होती तो कुछ बोलती, हम हमें उस पर कुछ ज्यादा बोलना भी नहीं चाह रहा। हमने हिमाचल प्रदेश में इतनी सारी योजनाओं के माध्यम से गरीब लोगों की सेवा करने की कोशिश की, मैं बहुत लंबी बात नहीं कहना चाहता हूं। यहां पर हम आता है बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में आई हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए हमने एक तय किया है कि पहले इनको ऋण जो है लोन मिलता था 7% पर, हमने उस पर ये फिक्स कर दिया कि 4% पर जो है वो लोन मिलेगा। हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए और आगे बढ़ करके 25,000 रुपए रिवॉल्विंग फंड मिलेगा आपको, जिससे आप अपना कामकाज शुरू कर सकते हैं। हमने दिहाड़ीदार की दिहाड़ी जो है अभी 4 दिन पहले से शुरुआत हो गई, 5वां दिन हो गया उसका, 50 रुपए दिहाड़ी बढ़ाई। हिमाचल के इतिहास में आज तक 50 रुपए दिहाड़ी किसी सरकार के दौरान नहीं बढ़ी। 50 रुपए का मतलब है एक मजदूरी करने वाले का 1 महीने का 1500 रुपए का उसका लाभ हो गया, क्योंकि 50 रुपए हर दिन की दिहाड़ी उसकी बढ़ करके जो है उसको लाभ हो गया। हमने अपनी सरकार के दौरान तो 4,500 रुपए का उस मजदूर का लाभ पहुंचाया, क्योंकि दिहाड़ी 120 रुपए से बढ़ा करके हमने जो है 350 रुपए पहुंचाया। आशा वर्कर के हमने पैसे बढ़ाए, 1825 रुपए सीधे बढ़ाए, आंगनबाड़ी वर्कर के 1700 रुपए की बढ़ोतरी की, पंचायत के चौकीदार को 900 रुपए की बढ़ोतरी की, मिनी आंगनबाड़ी वालों को 900 रुपए की बढ़ोतरी की, आंगनबाड़ी सहायिका को 900 रुपए की बढ़ोतरी की, रेवेन्यू के हमारे जो चौकीदार लगे हैं उनको 900 रुपए की महीने की बढ़ोतरी की, हमारे यहां पर अलग अलग जो जल रक्षक लगे हैं उनके लिए 900 रुपए की महीने की बढ़ोतरी की। आज तक कभी भी इतनी बढ़ोतरी एक साथ नहीं हो पाई है किसी भी सरकार। हमने इसलिए कि गरीब आदमी की मदद होनी चाहिए, हम गरीब के साथ ज्यादा मदद कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हमने प्रयत्न किया है, प्रयास किया है। इसलिए मैं बहुत ज्यादा बातों को यहां पर कहने नहीं चाह रहा हूं, कि मुझे अभी शिमला भी पहुंचना है और कुछ दिनों के बाद मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि एक दिन मैं भी आऊंगा यहां खांची बैल के प्राउन है, और हाथी में रुकेंगे भी, एवरेस्ट हाउस बना दिया हो यहां पर आप लोगों ने, और उस रेस्ट हाउस को पूरा करने में कितने 10 साल लगे थे, 14 साल लगे, हमने शिलान्यास किया था और उसको पूरा करते करते 14 साल लगे। फिर आप ही टिके रहे, जिसने आपने कहा कि जिसने शिलान्यास किया वही उद्घाटन करेगा।
इस मामले में खाची बड़े कोफिया और सराज बड़े कोफिया बाकी बातें मैं आकर के तब भी करेंगे, लेकिन मेरा आप सबसे इतना निवेदन है, अब ये दौर ऐसा दौर आ रहा है जिस दौर में बहुत परीक्षा होगी, आप सबकी भी होगी और हमारी भी होगी, हमारी तो परीक्षा होती रहती, परीक्षा आप लोगों की कैसे होगी, आप लोगों की परीक्षा ऐसे होगी कि जिस सराज को सर्वोच्च सम्मान हिमाचल प्रदेश में मिला है उस सम्मान की कदर वो कितनी करता है, उसको स्वाभिमान के साथ कितना खड़ा है। इस बात को पूरा हिमाचल देखना चाहता है और मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूं, ये संदेश जाना चाहिए कि जो सम्मान हमको हासिल हुआ है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के आशीर्वाद से, जो सम्मान हमको अमित भाई जी के आशीर्वाद से मिला है, जेपी नड्डा जी के आशीर्वाद से मिला है और सराज की जनता की सहयोग और समर्थन से मिला है, हम उस सम्मान के लिए चट्टान की तरह खड़े होकर के साथ आएंगे। कई कई बोलेंगे ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ ऐसा नहीं हुआ वैसा नहीं हुआ, सभी काम 5 साल में नहीं हो पाए, लेकिन ये बात बता रहा हूं मैं आपको, अब आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ एक इलाके कुछ एक गांव रह गए, नहीं तो अगर ये दौर नहीं आया होता तो अभी तक कई इलाके ऐसे रह जाते जहां पर सड़कें नहीं होती, कुछ इलाके रह गए हमारा चलवाड़ का भूम का इलाका रह गया, कुछ और छोटे गांव रह गए हमारे जहां पर सड़कें पहुंचाने की बाकी रहती है, उनको भी हम पहुंचाएंगे। अब कुछ जगह में अभी कॉलेज का शिलान्यास करने के लिए ऊपर गया तो वहां लोग हाथ में वो पट्टी लेकर खड़े हुए थे, हम थोड़ी बाकी सड़क पहले बोलते थे सड़क चाहिए कच्ची पाकी जो भी है लेकिन सड़क चाहिए, ये भी थोड़ी पाकी जोड़ा लागे मुझको और सच्चे भी है, और हमने कह भी दिया जो हमारी जिस सड़क पर हम ऊपर कॉलेज का शिलान्यास के लिए बीजर के लिए गए थे, मैंने पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट को कहा कि भाई इस सड़क में गर्मी में आया से मौसम में आए तो धूल से भारी नहीं, बरसात में आए तो चिक्कड़ से भारी, तो इसलिए सड़क को पक्की कर दो, ये पक्की करनी पड़ेगी अगर आना जाना होगा आप लोगों का भी, तो इसलिए उसका काम हम तुरंत जल्दी शुरू करने की कोशिश करेंगे ताकि उसको हम पक्का करें। फिर पहाड़ वाली आगे की सड़क भी बोलते ये सोमगाड़ वाली सड़क, इसके लिए तो हमने प्रावधान पहले से किया हुआ और इसका प्रावधान जो किया हुआ है उस प्रावधान के अनुसार मैं देख रहा था कि उसमें तो हमारे पास लगभग जो है वो जो सैटादार थलौट वाली सड़क है वो उसी में कवर होती है ये सारी की सारी सड़क, उसमें 50 करोड़ रुपए का हमारा टेंडर हुआ पड़ा हुआ है, काम उसका चला है, हम चाहेंगे उसका जल्दी से जल्दी उसका काम तेज गति से आगे बढ़े और इस सीजन में उस सड़क को भी पक्का करने की कोशिश करें तो ताकि लोगों को आने जाने की दृष्टि से एक सुविधा अच्छी तरह से मिले। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजों को लेकर के मैं कह सकता हूं लेकिन मैं बहुत लंबी बात नहीं कहूंगा। अब यहां कॉलेज का हमने आज शिलान्यास किया, 5 करोड़ रुपए हमने दे दिया, 9 करोड़ रुपए के लिए इसलिए बजट के प्रावधान करने के लिए हमने कहा है, पूरा कॉलेज जो बन करके जब तैयार होगा तो 9 करोड़ रुपए इस पे खर्च होगा। मैं पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट से इसी बात के लिए बात कर रहा था जिसका टेंडर होगा कॉन्ट्रैक्टर जो है काफी कहा गया है मुझे कि बहुत तेज गति से काम करने वाला है, जिनके पास शायद मेकल बाली चौकी में भी काम है तो वो तेज गति से काम करे क्योंकि यहाँ का वर्किंग सीजन हमारा बहुत कम है, क्योंकि नवंबर के बाद दिसंबर के बाद सर्दी बहुत ज्यादा हो जाती है और सर्दी के मौसम में काम करने में कठिनाई, इसलिए इतना काम शुरू किया जा सकता है जल्दी से इसको पूरा करने की दिशा में तेजी से इसमें आगे बढ़े और इसमें ताकि भवन बन करके तैयार हो जाए, ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ। और यहाँ आकर के कुछ लोग बोल रहे थे मुझे, कह रहे थे कि भाई बाकी तो ठीक है खाची आए तो यहाँ जो है हमारा सब तहसील जो आप लोगों ने मेरे साथ जबरदस्ती की है, जबरदस्ती की थी थोड़ी गलत सो पूरे हिमाचल में मुझे नहीं लगता कि 6 पटवार सर पे पर कोई तहसील सब तहसील बनी, 3 से 6 बनाने पड़े थे, वो तो इसलिए बनाने पड़े कि खाची बड़े मांगे नहीं, आज हमने वो सब तहसील का भी यहाँ
विधिवत उसका जो है शुभारंभ कर दिया। इसके लिए भी माफ करते हैं, कठिन है, परिस्थितियां कठिन है, स्वाभाविक रूप से यहाँ की जरूरत है, जरूरत को पूरा करना। और मैं आज ये भी कहना चाहता हूँ, मुझे मालूम पड़ा कि यहाँ पर जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जमीन यहाँ पर उपलब्ध है, शायद 1.5-2 बीघा जमीन है, तो अगली बार मैं ये कहूंगा कि उसका हमने सब तहसील के भवन का भी हमने शिलान्यास कर देना जल्दी, इसका चाहे मैं आऊं चाहे मैं ऑनलाइन करूं, लेकिन जल्दी कर देंगे क्योंकि जमीन उपलब्ध है, बजट का प्रावधान करेंगे ताकि जल्दी से काम हम पूरा करके जो है अपनी बिल्डिंग बनाए। अभी तो छोटे से प्रवास सर्कल में वहां पर सब तहसील का काम करना शुरू होगा। इसके अतिरिक्त और भी चीजों को लेकर के यहां पर बातें कही गई है। खांची में हमारी पीएससी की बिल्डिंग बनकर के तैयार हो चुकी है और यहां उसमें एक बात को लेकर के मैं मालूम करूंगा कि ओपीडी कितनी चल रही है। अगर ओपीडी का नंबर इसमें ज्यादा आएगा तो यहां पर हम कोशिश करेंगे कि इस पीएससी के साथ जो है वो हमारा इंडोर पेशेंट यानी कि पेशेंट को एडमिट करने का भी उसमें प्रावधान साथ में हो, उसके लिए बेड का भी इंतजाम हम करेंगे। ये भी अभी तक मालूम है किसी को बेड सीएम तो मेडिकल डिपार्टमेंट अभी यहाँ पर बेड का नहीं है, जिसका इन दो पेशेंट के लिए नहीं है, स्टाफ नर्स की पोस्ट नहीं। एक तो मैं स्टाफ नर्स की पोस्ट भी क्रिएट करेंगे यहाँ के लिए, ये भी मैं कहना चाहता हूँ। और उसके साथ साथ में जो भी जरूरत होगी, पहले इसमें जो है हम इसमें भवन में एडिशन करेंगे, जमीन की उपलब्धता पता नहीं, यहाँ पर जमीन अगर होगी तो जमीन का इंतजाम होगा, तो यहाँ इस पीएससी को 10 बेडेड पीएससी बनाने का मैं यहाँ पर घोषणा करता हूँ। 10 बिस्तर का हॉस्पिटल जो है ताकि यहाँ पर जमीन है तो उसके लिए हम जल्दी करेंगे, उसके लिए प्रावधान करेंगे ताकि लोगों को अगर एडमिट भी होना पड़े तो बाली जाने के बजाय मंडी जाने के बजाय यही छोटा मोटा कोई ट्रीटमेंट करने की है तो यहाँ पर उसके इलाज की सुविधा हो सके, उसके लिए हम बात करेंगे। दूसरी बात, एक बात और कही यहाँ थाची में कि वेटनरी डिस्पेंसरी है और यहाँ पर वेटनरी हॉस्पिटल है थाची में, सॉरी बाली चौकी में, तो बाली चौकी में दूर पड़ता है और स्वाभाविक रूप से अब पशुधन की जो है प्राथमिकता सब लोगों की बन रही है, तो मैं वेटनरी डिस्पेंसरी को अपग्रेड करके जो है थाची में जो है पशु चिकित्सालय करने के लिए घोषणा करता हूँ, वेटनरी हॉस्पिटल करेंगे यहाँ पर। और उसके लिए भी मेरा सबसे आग्रह है, अगर जमीन की उपलब्धता जल्दी हो जाती है तो उसका भी हम जल्दी से उसका शिलान्यास करके भवन भी बना करके उस पर दे देंगे ताकि लोगों को अच्छी सुविधा यहाँ पर उस दृष्टि से हो सके। एक दो चीजों को लेकर के और भी बात कही गई है। एक तो ये कहा गया कि जो हमारा एक स्कूल है माध्यमिक, ये प्राइमरी स्कूल है, ये प्लाइदा क्या है, मिडिल स्कूल है, क्या करना है, ठीक है, कितने दूर है, बड़े भाई कितने बच्चे हैं, हाँ जी 80 बच्चे, तो माध्यमिक पाठशाला जो है मिडिल स्कूल प्लाईधार को जो है जिसको अपग्रेड करके मैं उसको हाई स्कूल करने की घोषणा, ठीक है ना। एक और चीज को लेकर के बात चल रही है, मैं इस बात को थोड़ा सा कि वहां पर प्राथमिक पाठशाला वहां पर सोमनाथन में एक और खोलने की बात आ रही है, तो कुछ बोल रहे हैं ऊपर खोलो, कुछ बोलते हैं नीचे खोलो, ये सारे झगड़े में मुक्ते हैं, ये बड़ा, हाँ जी झगड़े तो हो नहीं जा सकते, हाँ जी द्राउट और जयर में कितना फर्क है, हाँ जी चलो उसको वही कर लेते हैं, जो प्राथमिक पाठशाला जो है वो धनौट के लिए मुझे लगता है कि ज्यादा लोगों की मांग है उसमें, तो है प्राइमरी स्कूल धनौट खोलने की भी मैं घोषणा करता हूँ ताकि वहां पर लोगों को बच्चों को नजदीक, कई छोटे बच्चों को, अब हमारा जमाना नहीं रह गया ना, अब हम तो जाते थे 5 किलोमीटर पैदल चलते थे स्कूल के लिए, प्राइमरी स्कूल के लिए भी जाते थे, 4 किलोमीटर से ज्यादा 5 किलोमीटर चलते थे हम जाकर के वहां अपने गाँव में, गाँव से दूसरे गाँव पहुंचना होता था, अब तो वो जमाना भी नहीं, अब पहले होती थी वो पट्टी साथ में होती थी, हमारे बुजुर्ग
लोगों ने बना करके दी होती थी ना, वो एन मोटी होती थी, उस पर तो फेंकने का जी करता था। जब शाम को घर आना होता था वो पर्ची उठानी बड़ी मुश्किल होती थी। झोला भी उसने पता नहीं कितनी बार फाड़ा होगा, क्योंकि वो सारे पट्टी डाल दी जोरी होती थी। अब तो आज का जमाना पट्टी का राज नहीं होना, पट्टी का जमाना ही खत्म है ना। तो हमारे लिए तो बड़ी आफत तो होती थी, 5 किलोमीटर और चलना पट्टी और तक नहीं, कम से कम 1 बाटी से तो ऊपर होती थी। हमारे बुजुर्ग भी मिस्त्री तक आते खूब मोटी बनाए थे, टूट जाती थी ना वो, हम हर महीने तोड़ देते थे उस पट्टी को, फिर वो बना देते थे मोटी जैसी की भाई टूटे ना। ये नहीं देखते थे कि बेटी भी ये उठानी नहीं पड़ेगी, तो ऐसा होता था जरूर। अब जमाना बदल गया, चलो अच्छी बात है। इसके अलावा आगे बढ़ करके एक बात जो यहां पर कही गई है, हमारा बागी बनवास मान, बाकी चीजें तो सारी चीजें ठीक है, एक में जो बड़ी भारी मुझे बड़े हैरानी भी हो रही है, सब की जगह लग रहा है रेस्टोरेंट मान को, फाइल तैयार हो जाती है। मैं इस पर इसकी रिपोर्ट मांगूंगा, ये जो एडमिकल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बालू के पास इसकी है, क्या नहीं है, कौन सी जगह है? हाँ जी, स्कूल के साथ है, सम्राट स्कूल के साथ ऐसी जगह है, वहाँ पर सुंदर जगह है जहाँ पर रेस्टोरेंट खुला। हाँ जी, हाँ जी, आ रही बात, चलो कुछ सोचते हैं इसके बारे में, आप घोषणा नहीं करते, मैं देख लेता हूँ कैसा हो सकता है। अच्छा, चलो आगे, एक चीज को लेकर के बागी बनवास में जो है वो मांग की गई है कि भैया यहाँ जो सलवाड़ के लिए सड़क की बात कही है, और उसके साथ साथ में पार जो गांव हमारा जो रहता है डंडेड़ी भूम, ये इलाके अभी सड़क के बिगड़े। मैं पैसे की घोषणा करने की आवश्यकता नहीं महसूस करता हूँ, लेकिन मेरा पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट से ये गांव ऐसे है जहां सड़क पहुंचाना बहुत जरूरी है, अब नहीं छोड़नी है, जो भी करना है इसके लिए आप तैयारी करो, जितने भी पैसे की जरूरत पड़ेगी उस पैसे का इंतजाम कहीं से करेंगे, और मैं ये चाहूंगा ये दोनों गांव को सड़क से जोड़ना जरूरी है, नहीं तो ये सलवाड़ वाले मेरे को फोटो भेजते रहते हैं वहां के, भाई बुजुर्ग कोई बीमार हुआ हमारा पुराना वो साथी के नाम हो जो सलवाड़ो जगत जगतराम जी, हाँ जी, उनको उठाया हमने, उसके मेरे को फोटो भेजा कि भाई मुख्यमंत्री के इलाके में पीठ पर उठे कुर्सी पर उठाना पड़ रहा है। बात तो सच है कि भाई वहां सड़क नहीं है तो मरीज को उठा के ले जाना पड़ेगा, तो मुझे भी इस बात की पीड़ा है। मैं तो ये चाहूंगा मुख्यमंत्री के तौर पर हिमाचल प्रदेश में किसी भी पंचायत में किसी भी इलाके में ऐसी स्थिति नहीं रहनी चाहिए कि मरीज को पीठ पर उठाना पड़े, मरीज को कुर्सी पर या जो है बिस्तर पर जो है उसको चार पाई पे उठा करके ले जाना पड़े, ऐसी स्थिति नहीं रहनी चाहिए। और आने वाले समय में मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ, हिमाचल प्रदेश में सड़कें जितनी हमने बनाई है आज तक के जितने भी मुख्यमंत्री रहे हैं सबका रिकॉर्ड हम तोड़ करके आगे निकल चुके हैं, रिकॉर्ड सड़कें बनी हिमाचल प्रदेश, चाहे वो किन्नौर का है इलाका, भरमौर का है, चाहे वो रोहडू का है, चाहे वो सिरमौर का है, कहीं भी हाईएस्ट नंबर ऑफ किलोमीटर अगर इन 4 सालों में बने, अभी 5 साल तक बनने के लिए हमारा रिकॉर्ड और भी आगे जाएगा, 4 साल में ही 5 साल के रिकॉर्ड हमने पीछे छोड़ दिया आज से जितने भी मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश में बने, क्योंकि सबसे बड़ी प्राथमिकता, इसलिए मैंने डिपार्टमेंट भी अपने पास रखा, इसलिए रखा क्योंकि मुझे मालूम है कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की सबसे बड़ी कठिनाई है ये पीठ का बोझ जब तक नहीं उतरा तब तक के लिए उसकी जिंदगी जो है विश्वास है जीवन उसका कठिन, इसलिए इस काम को करना है। तो इन दोनों सड़कों के लिए मैं कहूंगा कि इनको प्राथमिकता के आधार पर आप करने की कोशिश करें। और एक और जो है आगे जो है बात आई बसूट में, बसूट के बारे में एक बात कही गई कि भाई बसूट कितने किलोमीटर तक, कितने किलोमीटर में, हाँ जी, एक वेटनरी डिस्पेंसरी की बात आ रही है, वहां से वेटनरी डिस्पेंसरी की बात आ रही है बसूट से, जो मेरे पास यहां पर लिख करके दिया हुआ आप लोगों ने,
तो इसमें सोच रहा हूं मैं कि इस वेटनरी डिस्पेंसरी के बारे में विचार किया जाए, लेकिन मैं देख रहा हूं कि ज्यादा नजदीक तो नहीं है कहीं। तो उस बात को लेकर के मैं आपके बीच में ये कहना चाहूंगा कि बसूर में एक वेटनरी डिस्पेंसरी हम खोलेंगे ताकि वहां लोगों को ये सुविधा हो सके। आगे जो बातें कही गई है यहाँ पर, तो हमारा सीनियर सेकेंडरी स्कूल हमारा थाची का है, इसका छत को रिप्लेस करने के लिए जो है वो चादरें रिप्लेस करने के लिए बात कही है, उसका एस्टीमेट शायद लगभग 12 लाख के लगभग बना हुआ है। तो मैं घोषणा करता हूं कि 12 लाख रुपए दे करके, 12 लगे 15 लगे, लेकिन सब इसका ठीक करना है ताकि ये भवन, पुराना भवन हमारा जो है सुरक्षित रह सके, बच्चों को ये सुविधा दे सके ठीक प्रकार से बैठने की। ये भी मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ। एक टैक्सी स्टैंड से संबंधित बात कही है यहाँ पर, तो टैक्सी स्टैंड थाची में जमीन कहाँ है आपके पास, है कहीं जमीन? बस स्टैंड के साथ है तो उसका थोड़ा सा देखें। और मैं ये कहूंगा कि डिप्टी कमिश्नर महोदय और पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट इस बात को सुनिश्चित कर लेंगे, थोड़ा सा एरिया देख लें जहां पर बनाई जा सकते, उसका एस्टीमेट आ जाए तो ये भी टैक्सी स्टैंड भी आपको बना करके देंगे। ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ। बाकी जहां यहां मैंने जो मार्केट की जो बात कही है, उसके लिए डिप्टी कमिश्नर महोदय जी ने अपना प्रोसेस शुरू कर दिया है, उसका एस्टिमेशन और उसकी ड्राइंग बनानी शुरू कर दी है, और आने वाले समय में उसको भी हम बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे ताकि लोगों को भी यहाँ सुविधा मिल सके, और उसके साथ साथ में यहाँ पर थोड़ी सी मार्केट भी हमारी ठीक हो, क्योंकि अब थाची जो है पहले छोटा सा बाजार होता था, अब ये बाजार बढ़ता जा रहा है। ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ। बाकी सारी बातें आप लोगों ने मुझे लिख करके दी है, सभी चीजें करने के लिए कठिनाई है जितनी मांगी गई है। मैं आपके बीच में इतना कहना चाहता हूँ, जो भी मांगे यहाँ पर दी हुई है उन बातों को मैं ध्यान में रखते हुए ये सड़कें दी है लिख करके मेरे पास। हाँ जी, कॉमर्स क्लासेस कहाँ है? थाची में। तो कॉमर्स क्लास में बच्चे कितने अभी तक हो गए? बच्चे के लिए कॉलेज में कितने सेंट हो गए? 1 मिनट 1 मिनट, कहाँ रखी आपने? अच्छा ये है, ये है, ये बोला हुआ आपने, उसके बाद इसमें। हाँ हाँ, चलो, यहाँ राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला थाची में ये जो कॉमर्स की क्लासेस की बात कही है, उसको मैं स्वीकार करता हूँ। कॉमर्स की क्लासेस यहाँ पर शुरू कर देंगे। कॉलेज में मैं पूरी रिपोर्ट मांगी है कि कितने बच्चे किस किस स्ट्रीम में है, किस किस सब्जेक्ट में है, और क्या सब्जेक्ट आगे आने वाले समय में बढ़ाने की आवश्यकता है। उन सारी बातों को लेकर के मैं आपके बीच में इतना कहना चाहता हूँ कि उसके लिए भी इंतजाम करेंगे। बाकी सारी चीजें ये कागज में साथ ही ले जा रहा हूँ। मैं ये चाह रहा था कि आपके यहाँ थाची में आने के बाद जो चीजें हम आने वाले समय में थोड़ा पूरा कर सकते हैं वो कौन कौन सी हो सकती है, उसकी रूपरेखा थोड़ा सा बना रहे हैं हम लोग। जहाँ कुछ सड़कें हैं, सड़कों को पैसा देने की आवश्यकता है, वहां पर थोड़ा सा वो भी प्रावधान करेंगे। लेकिन इसके अलावा मैं आप सबसे इतना ही जरूर कहना चाहता हूँ कि थाची में बहुत कुछ हमने करने की कोशिश की है, चाहे वो पानी की स्कीमें हैं, चाहे वो सड़कों की बात है, चाहे उसके बाद अब डिग्री कॉलेज के भवन की बात है, स्कूल के भवन की बात है, न ग्रांड में भी कहा है, रेस्टोर संभव नहीं सभी जगह। मैं आपको कहूं, मैं इन सारी चीजों की घोषणा इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि अब हमने रेस्टोर बनाने बहुत कम कर दी है क्योंकि रोक लगी है उस पर। मैं इतने कहना चाहता हूं, आप सबका सहयोग और समर्थन जिस प्रकार से मिलता रहा है उसको आप कायम रखें, और आने वाले समय में जो संघर्ष होगा उसमें मुझे थाची सारी की सारी चाहिए, पूरी की पूरी चाहिए। होगी ना, पक्का होगी ना? बेड़ ना कि आगे दूर। हाँ जी हाँ, अगर होनी है तो बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। नवंबर के महीने में फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में होगी, और थाची वालों का उसका योगदान सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए। यही निवेदन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।